हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का 14वां प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। लेकिन दोस्तों, इंटरव्यूअर आपको ऐसे नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, कन्फ्यूजन में डालेगा कि हाउ टू स्टार्ट अ पंप। यानी कि हाउ टू स्टार्ट अ पंप, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पंप को कैसे स्टार्ट करोगे। इसमें उसने मेंशन ही नहीं किया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये अधिकतर दोस्तों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है कि वो डायरेक्ट पूछता है कि हाउ टू स्टार्ट अ पंप। तो सबसे पहले आप इसका आंसर ये दो कि सर, कौन सा पंप, किस टाइप का पंप, आप पहले हमें ये बताओ कि या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप बताओ या तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, तब हम आपको आंसर दे सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली अगर बोलने लगो कि सबसे पहले सक्शन खोलते हैं, सारे ड्रेन वाल्व बंद करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे हाउ टू स्टार्ट अ पंप, तो सबसे पहले उससे क्लियर कर लो कि कौन सा पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग। आफ्टर दैट अगर वो बोल रहा है कि हाउ टू स्टार्ट अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो आप उसे बताओ। और दोस्तों, किसी भी पंप को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है 7 पॉइंट हैं किसी भी पंप को चलाने के लिए, तो वो मैंने लिख दिए और बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप एज्यूम करो कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है और वो जो है 80% कंसंट्रेटेड यूरिया को हैंडल कर रहा है। 80% कंसंट्रेटेड यूरिया का मतलब कि 80% यूरिया और 20% वाटर। यानी कि कंसंट्रेशन हम 100 में निकालते हैं, तो 80% कंसंट्रेशन का मतलब कि 80% यूरिया और 20% वाटर। तो उस केस में, और उसका टेम्परेचर, उस सोल्यूशन का टेम्परेचर हमारा 85 डिग्री है। ओके दोस्तों, तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो यूरिया जो है वो एब्रेसिव मटेरियल को हैंडल कर रहा है, यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड को वो हैंडल कर रहा है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो वो कौन, किस टाइप का होगा, वो होगा दोस्तों ओपन टाइप इम्पेलर, यानी कि ओपन इम्पेलर टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो हमारा यूरिया सोल्यूशन को हैंडल करेगा। तो दोस्तों, अब हमें जो है यूरिया पंप को स्टार्ट करना है। सपोज करो यूरिया पंप को स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इंश्योर करेंगे सेफ्टी। और पहली जो सेफ्टी होगी वो होगी मैन की, इंश्योर सेफ्टी फॉर मैन, जो आदमी उसे ऑपरेट करने जा रहा है, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो टेक्नीशियन हो, जो ऑपरेट करने वहाँ जा रहा है पंप को, तो उसकी सेफ्टी को हम ध्यान में रखेंगे। क्या उस व्यक्ति के पास पीपीज हैं? पीपीज हर कंपनी में लगभग 5 कॉमन पीपीज होते हैं। पीपीज का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो हर कंपनी में 5 पीपीज पाए जाते हैं, हेड प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी हेलमेट, आई प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी गॉगल्स, और ईयर प्रोटेक्शन के लिए हम ईयर मफ या ईयर प्लग लगाते हैं, और हैंड प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं ग्लव्स, और जो अपना पैर है फीट उसके प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी शूज लगाते हैं। तो उस जो व्यक्ति चलाने जा रहा है इस पंप को, तो उसके पास ये पीपीज जो मिनिमम 5 जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, बी ए सेट मीन्स ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट, चाहे वो ऑनलाइन एयर मास्क हो, चाहे वो ऐसे बी ए सेट हो, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, ये उसके पास हो। क्योंकि अगर सपोज करो यूरिया अगर लीक करेगी, तो उस केस में जो है यूरिया जो है उस केस में, तो अमोनिया के भी आने का चांस है, क्योंकि ये तो प्योर यूरिया तो है नहीं, 80% यूरिया है, 20% वाटर है, और उसमें कुछ अनडिजॉल्व तो यूरिया तो रहेंगी ही दोस्तों, तो सॉरी अमोनिया तो रहेंगी, तो वहाँ पे अमोनिया उसे लग सकती है। तो उस केस में उसे क्या होना चाहिए, उसके पास बी ए सेट, ऑनलाइन एयर मास्क या ऐसे बी ए सेट। अब दोस्तों, ये तो हो गया मैन की सेफ्टी कि उसके पास ये है, हमने इंश्योर कर लिया। अगर ओके है तब हम चलते हैं सेफ्टी फॉर मशीन, मशीन की सेफ्टी इंश्योर करते हैं कि मशीन की सेफ्टी है या नहीं है। तो मशीन की सेफ्टी तभी रहेगी जब मशीन की सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट हेल्दी होंगे।
जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट हैं वो हेल्दी कंडीशन में हो, तभी तो मेन की सेफ्टी हो सकती है दोस्तों। तो मशीन की सेफ्टी जो होती है, जैसे पंप है, पंप के कितने सेफ्टी पॉइंट हैं, तो किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो यूरिया का पंप हो या अमोनिया का पंप हो या कोई सा भी पंप हो जो बहुत क्रिटिकल होता है, तो उसके साथ ढेर सारे अलार्म जुड़े होते हैं। तो वो सारे अलार्म हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, चाहे उस पंप के डिस्चार्ज लाइन में जो पीटी लगा है वो भी हेल्दी कंडीशन में। पीटी मतलब प्रेशर ट्रांसमीटर, टीटी मतलब टेम्परेचर ट्रांसमीटर, एफटी मतलब फ्लो ट्रांसमीटर, या अगर कोई कंट्रोल वाल है, चाहे वो फ्लो कंट्रोल वाल है, चाहे वो लेवल कंट्रोल वाल है, चाहे वो प्रेशर कंट्रोल वाल है, ये सब हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए। उसके बाद जो पंप का आरपीएम का अलार्म है या स्विच है, चाहे लो आरपीएम का या हाई आरपीएम का, तो उसे सबसे पहले हम लाइन में ले सक हमें लेना पड़ेगा। यानी कि ये सब लाइन में हम लेते जाएंगे, पीटी को लाइन में ले लिया, प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर और फ्लो कंट्रोल वाल्व, लेवल कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। उसके बाद आरपीएम जो है, लो आरपीएम या हाई आरपीएम का जो अलार्म है उसे लाइन में ले लेंगे। पीडीआई प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर उसे भी लाइन में ले लेंगे। वाइब्रेशन का जो स्विच है उसे भी लाइन में लेंगे, पंप की वाइब्रेशन की जो स्विच है उसे भी, चाहे हाई वाइब्रेशन की हो चाहे लो वाइब्रेशन की है, तो उसे भी लाइन में लेंगे। उसके बाद बेयरिंग टेम्परेचर की जो स्विच है उसे लाइन में लेंगे। उसके बाद जो एम्पियर का स्विच है, लो एम्पियर हाई एम्पियर, उसे भी लाइन में लेंगे। उसके बाद इंटरलॉक सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरलॉक सिस्टम दोस्तों, इसे लाइन में लेंगे। इंटरलॉक सिस्टम क्या होता है दोस्तों, वो ये होता है कि वो इन्हीं पे जो होता है इन्हीं पे आधारित होता है, यानी कि इनमें कोई भी अगर डेविएशन आएगी तो इंटरलॉक सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और पंप को उसी समय ट्रिप कर देगा। जैसे सपोज करो दोस्तों कि बियरिंग टेम्परेचर बढ़ रही है, बियरिंग टेम्परेचर मैक्सिमम 80 डिग्री होती है, अगर वो सपोज करो कि वो बढ़ती जा रही है, 80 से 100 हो गई, 100 से 102 हो गई, 120 हो गई, तो उस केस में क्या होगा, इंटरलॉक सिस्टम पंप को ट्रिप कर देगा, क्योंकि अगर बियरिंग का टेम्परेचर बढ़ा तो बियरिंग डैमेज हो जाएगी, जिससे पूरा पंप डैमेज हो जाएगा। तो उस केस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरलॉक सिस्टम उस पंप को ही वहीं पे रोक देगा, बंद कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो इंटरलॉक सिस्टम को भी हम सबसे पहले लाइन में ले लिए। तो ये तो हमारा रहा कि मैन की सेफ्टी हो गई, मशीन की सेफ्टी देख लिए, अब ये दोनों ओके हैं, तो फिर हम पंप जो अदर जो है सेफ्टी है उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो अदर सेफ्टी में एक बेयरिंग कूलिंग सिस्टम होता है, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में उसकी जब बियरिंग होती है तो उसकी कूलिंग के लिए, बियरिंग जैसे चलती है तो हीट अप होती है, तो उसकी कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, बियरिंग के लिए हम डालते हैं कूलिंग वाटर होता है या डीएम वाटर होता है, तो वो बियरिंग को कूल करता है, तो उससे लाइन में लेंगे। बियरिंग कूलिंग सिस्टम को लाइन में लेंगे, इन सब के बाद बियरिंग कूलिंग सिस्टम को लाइन में ले लिया। उसके बाद हम लेंगे केसिंग हीटिंग सिस्टम को लाइन में। केसिंग हीटिंग सिस्टम दोस्तों ये स्पेशली यूरिया के पंप में ही पाया जाता है, क्योंकि यूरिया पंप में जो केसिंग है, केसिंग में अगर हम जानते हो कि 80% यूरिया चल रही है, तो जैसे अगर केसिंग का टेम्परेचर आप बढ़ा के नहीं रखोगे तो वो यूरिया वहाँ पे चिपक जाएगी, तो इम्पेलर को मूव करने में प्रॉब्लम होगी और तुरंत पंप क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, हाई लोड पे ट्रिप हो जाएगा। तो उस केस में हम केसिंग को हमेशा गर्म करके रखते हैं, लगभग 100 डिग्री का टेम्परेचर, उसमें स्टीम डालते हैं केसिंग में, ताकि वो पूरी केसिंग को एकदम गर्म रखे और ठंडा ना रखे, ताकि यूरिया वहाँ पे कांटेक्ट में आके जम ना जाए। और नेक्स्ट हम रखते हैं जो ऑयल इन गियर बॉक्स, गियर बॉक्स में ऑयल लेवल चेक करते हैं। गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स क्या होता है आप तो जानते हो दोस्तों, जैसे इम्पेलर की जो शाफ्ट है और मोटर की जो शाफ्ट है, जहाँ पे वो कंबाइन हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है जो कपलिंग होती है, तो वहाँ पे हम ऑयल हमेशा ऑयल कप में जो होता है ऑयल डाल के वहाँ पे कूलिंग उसकी करते हैं, तो गियर बॉक्स को भी हम ऑयल देंगे। तो और सील फ्लशिंग, और सील फ्लशिंग का जितने भी इक्विपमेंट हैं वो भी, सील फ्लशिंग के लिए हम
मैक्सिमम हम यहाँ पे जो यूरिया के केस में सील फ्लशिंग होती है, सील तो आप जानते हो मैकेनिकल सील जो होती है, तो यूरिया के केस में, यूरिया के पंप में जो सील की फ्लशिंग होती है वो यूरिया से होती है। तो इन इन इनको भी लाइन में हमें लेना है। ये दोनों ले लिए, फिर बेयरिंग कूलिंग सिस्टम को लाइन में ले लिए, केसिंग हीटिंग सिस्टम ले लिए, ऑयल इन गियर बॉक्स को लाइन में ले लिए, सील फ्लशिंग को भी लाइन में ले लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम इंश्योर करेंगे कि हमारे पास कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो ओके होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम दोस्तों हर इंडस्ट्री में अलग अलग होता है, जैसे वॉकी टॉकी भी हो सकती है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे हम बातचीत कर सकें कंट्रोल रूम से और फील्ड में एक कम्युनिकेशन बना सकें। तो या तो वॉकी टॉकी हमारे पास होनी चाहिए या तो फ़ोन होना चाहिए। फ़ोन दोस्तों जो होता है वो फायर प्रूफ, जो फायर प्रूफ फोन होते हैं वो होने चाहिए, क्योंकि हम अगर मोबाइल का यूज़ करेंगे तो उसमें उससे हम आग लगने का चांस होता है। तो उस लिए इसीलिए हम जो जो फ़ोन यूज करेंगे वो फायर प्रूफ या फ्लेम प्रूफ, सॉरी फ्लेम प्रूफ जो है फ़ोन यूज करेंगे। या तो हमारे पास पीए सिस्टम हो, पास में हमारा पीए सिस्टम यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। या तो एमसीपी हो, मैनुअल कॉल पॉइंट, वो भी एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है, आपको एमसीपी मैं अलग से बता दूंगा। उसके बाद डिटेक्टर्स, सारे डिटेक्टर्स एक्टिव होने चाहिए, यानी कि कोई भी लीकेज हो वो डिटेक्ट करके तुरंत आपको बता दें। या तो कैमरा, कैमरा उस एरिया का एक्टिव हो। तो ये सारे हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए, यानी कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम आपके पास होने चाहिए। और ये इतने हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, इतने हमारे पास होने चाहिए। अब दोस्तों अब हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आपको बता दें ताकि आगे हम समझा सकें इजीली। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक से हमारा ये सक्शन वाल्व खोले हम, और ये हमारा है जो है बकेट टाइप का स्टेनर, बकेट टाइप का स्टेनर है, और ये है पीडीआई, जो मैंने यहाँ पे पीडीआई बताया था वो है प्रेशर डिफरेंशियल इंडिकेटर। दोस्तों क्या होता है ये, दोस्तों ये फिल्टर चोक है या चोक नहीं है उसे ये बता देता है। कैसे बताता है, सपोज करो कि जैसे यहाँ से हम स्टोरेज टैंक से जो वाल्व खोले और लिक्विड 1 kg के प्रेशर से आगे बढ़ा, तो 1 kg का प्रेशर से यहाँ पे 1 kg है, यहाँ भी 1 kg आ गया, तो यहाँ पे हम एक तरह से हम मान सकते हैं कि फिल्टर चोक नहीं है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे 1 kg है फिल्टर के बाद वो 0.3 या 0.2 आ रहा है, तो उस केस में हम ये जानेंगे कि यार प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, फिल्टर हमारा चोक लग रहा है। तो पीडीआई जो है हमारा फिल्टर चोक है या नहीं है इसके बारे में हमें बता देता है। और ये सक्शन लाइन का ड्रेन है, ये पंप है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये डिस्चार्ज दिया तो ये डिस्चार्ज लाइन का वेंट है, और ये ड्रेन है, और यहाँ पे प्रेशर गेज है, और ये हमारा मेन जो वाल है थ्री वे वाल है, थ्री वे वाल यानी कि ये इधर भी जा सकता है, इसका फ्लो इधर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, तीन थ्री वे वाल मतलब कि तीन रास्ते वाला वाल। तो ये है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले पंप को चलाने से पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हम सील फ्लशिंग वाले सिस्टम को लाइन में ले लिया, तो ये वाल खोल दिया, सील फ्लश हो गई, और उसके बाद बेयरिंग जो है बेयरिंग कूलिंग सिस्टम को लाइन में ले लिया, उसके बाद केसिंग हीटिंग सिस्टम को लाइन में ले लिया। तो ये एलएस जो है हमारी, एलएस जो है दोस्तों ये हम लो प्रेशर स्टीम इसे कहेंगे, तो जो सील फ्लश होती है उसमें हम स्टीम खोल दिए सील में, तो सील फ्लश होती रहेगी। और दूसरा है बेयरिंग कूलिंग के लिए, बेयरिंग कूलिंग के लिए हमारा कूलिंग वाटर यूज होता है, तो कूलिंग वाटर का वाल्व खोल दिया। तीसरा हमारा है केसिंग हीटिंग के लिए, तो केसिंग हीटिंग के लिए भी एलएस स्टीम देते हैं, लो प्रेशर स्टीम, तो ये तीनों खोल दिए। और ये इनके आउटलेट हैं, ये इनलेट हैं, ये आउटलेट हैं, इनके ये आउटलेट हैं। चौथा नंबर पे आप देखते होंगे एक और है, तो ये दोस्तों वो क्या है कि जो पंप जहाँ पे रखा होता है
तो उसकी जो फेस प्लेट होती है, फेस प्लेट की सारे जो लीकेज वगैरह होगा तो वो उस जहाँ पे वो रखा है तो उस फेस प्लेट से होते हुए वो ड्रेन में चला जाएगा। तो वो ये वाला वॉल है तो उसे भी लाइन में ले लिए। तो ये हम चारों चीज़ें लाइन में ले लिए। अब दोस्तों पंप, अब मेन हमारा ये है कि हाउ टू स्टार्ट अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अब हम पंप को चलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, सेफ्टी मैन का हो गया और मशीन की सेफ्टी भी हो गई, कम्युनिकेशन सिस्टम भी अपने पास हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लशिंग। ये हम फ्लशिंग पंप की जो है सबसे पहले फ्लशिंग करेंगे। दोस्तों जब यूरिया यूरिया का कोई पंप होता है तो वो क्या करता है, लाइन में जो है चिपक जाता है, यूरिया जो है वो चिपक जाता है लाइन में। तो उस केस में पंप आप चलाओगे तो लाइन तो चोक रहेगी, तो बिल्कुल फ्लो डिस्चार्ज तो देगी नहीं। तो उस केस में उस लाइन की हम फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग का मतलब कि वहाँ पे हम HW हाई प्रेशर, जो हाई प्रेशर वाटर है वो डालेंगे डिस्चार्ज लाइन में, थ्री वे वाल्व में डाल देंगे, डिस्चार्ज लाइन में देंगे। तो डिस्चार्ज लाइन में जो है HW डालेंगे, उसका लगभग 16 kg प्रेशर होता है दोस्तों। 16 kg प्रेशर से हम डिस्चार्ज लाइन में पानी डालेंगे और इसका टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री टेम्परेचर और 16 kg प्रेशर, ये हमारा HW का प्रेशर होता है। तो सबसे पहले हम फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग हम डिस्चार्ज लाइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम पानी डालेंगे, ये पूरा पानी इधर भरते हुए, पूरी केसिंग में भरते हुए, सक्शन में भरते हुए ये वाल्व खोल दिया हमने और यहाँ से नीचे से ड्रेन कर दिया। ये पूरा का पूरा CD यानी कि क्लोज ड्रेन में चला गया। ड्रेन जो है वो क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ से हम फ्लश करना स्टार्ट किया और वो पूरे डिस्चार्ज लाइन केसिंग को सबको एकदम क्लियर करते हुए लाइन को, सक्शन लाइन के यहाँ से पानी को निकाल दिए। तो ये हमारी हो गई फ्लशिंग, फ्लशिंग ऐसे कर लिए। अब दोस्तों फ्लशिंग के बाद हमारी आती है प्राइमिंग। किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाने के लिए फ्लशिंग के बाद हम उसके प्राइमिंग करेंगे। अगर हम कोई और पंप होता तो उसमें फ्लशिंग तो करते नहीं, डायरेक्ट प्राइमिंग कर देते, हो जाता। तो प्राइमिंग के लिए दोस्तों, प्राइमिंग के लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें प्राइमिंग आप देख सकते हो। और उसमें मैंने ये बताया था कि प्राइमिंग के लिए हम हमेशा उसी लिक्विड का यूज करते हैं जिसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो यहाँ पे हमें 80% कंसनट्रेशन का यूरिया ट्रांसफ़र करना है, तो प्राइमिंग इसकी 80% कंसनट्रेशन यूरिया से ही करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, सपोज करो इसमें हमारा यूरिया है 80% कंसनट्रेट का, तो ये वाल खोल देंगे और ये वेंट वाल थोड़ी देर के लिए खोल देंगे। तो और ये नीचे जो ड्रेन वाल है इसे तो बंद रखेंगे, यहाँ पे हमारा इस वाल को बंद कर देंगे नीचे जो है, और ये जो वाल खोल देंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें भरेगा। और अगर इधर की कोई, अगर इधर एयर है, स्टेनर में कोई एयर है, तो वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, फिर यहाँ से तुरंत इसे बंद कर देंगे। फिर ये पूरा भरेगा, इधर भरेगा, इधर भरेगा, यहाँ तक पूरा यूरिया भर जाएगा। इंश्योर करने के लिए ये तो सक्शन लाइन का जितनी भी एयर है यहाँ से निकल गया, डिस्चार्ज लाइन की जो एयर है वो यहाँ से इस वेंट को खोल देंगे थोड़ा सा, तो वो यहाँ से निकल जाएगी दोस्तों, इंश्योर करने के लिए। और ये अधिकतर हम करते ही नहीं हैं, क्योंकि जो जो हमारा यूरिया पंप है वो लोड ले लेता है तुरंत, तो डिस्चार्ज देने लगता है, तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर नहीं लेता है तो उस केस में ये करते हैं, नहीं तो नहीं करते। वो तो वैसे लोड ले लेगा तो नहीं करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइमिंग सबसे पहले ही करें, क्योंकि अगर हमारा बिना प्राइमिंग के काम चल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो दोस्तों यहाँ से हमारा फ्लशिंग हो गई, उसके बाद प्राइमिंग हो गई, उसके बाद इसे सबसे पहले हम सक्शन वाल्व खोलेंगे और डिस्चार्ज वाल्व हमेशा बंद रखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। और वो क्यों रखेंगे उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है। तो उसके बाद इसे लोडिंग कर दिए। लोडिंग का मतलब कि पूरा का पूरा इसमें सक्शन लाइन में यूरिया है और पंप के केसिंग तक, इम्पेलर तक आ गई है पूरा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम कम्युनिकेट करेंगे कंट्रोल रूम में कि हाँ
सॉरी, दो जगह क्लियर करते हैं। एक तो हम कंट्रोल रूम में क्लियर करते हैं पंप चलाने से पहले, और दूसरा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी इंश्योर करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इंश्योर करने की क्या वो है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कोई पंप बहुत हाई कैपेसिटी के होते हैं जो अधिक से अधिक पावर लेते हैं, जैसे 200 250 किलोवाट के होते हैं, मोटर उनकी होती है तो हाई पावर लेंगे, तो उन्हें चलाने से पहले हमें इंश्योर करना होगा कि उनके पास जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पास जो है मार्जिंग है या नहीं है। तो वो हमें बताते हैं कि हाँ मार्जिंग है, या वो हमें बताते हैं कि हाँ चला लो। और इससे ये भी वो हो जाता है कि पंप एनराइज है, मतलब इलेक्ट्रिकल की तरफ से उसमें पावर है या नहीं है वो भी पता चल जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पूछ लिए कि क्या मैं चला सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ चला सकते हो, तो हम अपने कंट्रोल रूम में पूछेंगे कि सर क्या मैं अब ये पंप चला दूँ, मैं चलाने के लिए रेडी हूँ, तो वो बता देते हैं कि हाँ आप चला दो। उसके बाद आप स्टार्ट बटन दबा दोगे तो पंप स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, अगर डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ गया तो यानी कि पंप लोड पे है। अब दोस्तों धीरे धीरे पंप के एम्पियर को देखते हुए या पंप के आरपीएम को देखते हुए धीरे धीरे पंप का डिस्चार्ज वाल्व खोलेंगे, और फिर जब पूरा का पूरा डिस्चार्ज वाल्व खुल जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम जो है चार चीज़ें चेक करेंगे। पंप को चला लेने के बाद, डिस्चार्ज वाल्व खोल लेने के बाद चार चीज़ और इंश्योर करेंगे। सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि पंप एम्पियर कितना ले रहा है, जितना नॉर्मल लेना चाहिए उतना एम्पियर ले रहा है या नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे वाइब्रेशन, पंप ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है या कम वाइब्रेट कर रहा है या क्या है। उसके बाद एबनॉर्मल साउंड, किसी प्रकार के एबनॉर्मल साउंड है इसमें या नहीं है। और चौथी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल सील, क्या मैकेनिकल जो सील है वो लाइन ज़्यादा लीक कर रही है या कम लीक कर रही है। तो ये पंप चलाने के बाद ये चारों चीज़ इंश्योर करेंगे दोस्तों। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा प्रयास जो आपको समझने में ये आसानी देगा कि हाउ वी स्टार्ट और सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट कैसे करते हैं। ये मेरा बहुत ब्रॉड वो था। वैसे अगर नॉर्मली में अगर हम देखें तो ये तो दो एक्शन तो लेने ही हैं, और कम्युनिकेशन का भी एक्शन लेना है, फ्लशिंग आप करो या ना करो, कोई और पंप है तो बिना फ्लश के ही चला दो। प्राइमिंग अगर ज़रूरत है पहले चला लो, अगर प्राइमिंग ज़रूरत है तो करो, अगर नहीं ज़रूरत है तो प्राइमिंग, जानते हो कि प्राइमिंग का मतलब है कि डिस्चार्ज लाइन से हम पानी भरते हैं और वो पूरी सक्शन और केसिंग में पूरा भर जाता है, और जिससे एयर पॉकेट जो होती है वो वेंट के थ्रू बाहर निकल आती है। तो वो प्राइमिंग कर लो, पंप चला दो, बस ये हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।